उन्होंने कहा नहीं आप वीडियो नहीं कर सकते यहाँ पे। हे गाइस, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम है हमारे घर के सामने, ये पेंडल के सामने है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और मृणाल जा रहे हैं पूर्वासा। उस दिन तो जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी और हम फंस गए थे, फिर लेट हो गया, फिर तो उस दिन जा नहीं पाए टाइम पे। तो अभी निकले हैं, अभी जाएंगे। अभी साइकिल नहीं लिए, साइकिल लेते लेकिन मृणाल का साइकिल ख़राब हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ होता है, जब भी हम दोनों निकलते हैं कुछ ना कुछ होता है। साइकिल खराब तो वो साइकिल ख़राब होता है, नहीं तो बारिश, नहीं तो कुछ। आज अब साइकिल नष्ट हो गया, बारिश नहीं हुई लेकिन साइकिल ख़राब हो गया। तो अब पैदल ही जा रहे हैं, अभी ऑटो से जाएंगे फिर वहाँ पे। तो चलिए अब आगे वीडियो चालू करते हैं। तो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, वापस बारिश शुरू हो गई। मतलब हम जब भी निकलते बारिश होना ही है। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। अब पता नहीं उस दिन के जैसा ना हो जाए, फंस जाए हम। देखते हैं कैसे भी पहुँचना तो है, आज तो पहुँच ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तो गाइस, हम बत्तल आ गए और अब यहाँ से बिदुरकट्टा जाएंगे ऑटो से। तो ऑटो यहाँ से 10 रुपये लेगी, 10 या 15, शायद 10 लेगी। तो उतरेंगे बिदुरकट्टा चुमनी, फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कोई ऑटो सर्विस नहीं है। वहाँ से पैदल सीधा जाएंगे पूर्वासा। तो गाइस, अभी हम शकुंतला रोड के सामने और आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा की शॉपिंग जो है शुरू हो चुकी है। अब एक 20 दिन से भी कम टाइम बाकी है, 19 दिन बाकी है। देखिए मार्केट में सब कुछ उतर चुका है, काफ़ी भीड़ है इस जगह पे। आया और ये एक है वी मार्ट। तो वी मार्ट में फैशन स्टार्ट्स एट ₹99 ओनली। तो गाइस देख सकते हैं जैम। अब जैम किस लिए है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये किसका बाइक है, ये किसका बाइक है, ये रास्ते के बीच में रख के चला गया। ये ऐसे पार्किंग कौन करता है, ऐसी जगह नहीं है ऐसे ही क्राउडेड रहता है ये एरिया और ये लोग यहाँ पे बीच में बाइक रखे जाते हैं। ये देखिए पार्किंग करने का ये नया स्टाइल है। बहुत ख़राब हालत है इस जगह की। तो ये है गाइस वी मार्ट, यहाँ पे ₹99 से स्टार्टिंग है। तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फूलों की दुकान सबुज। तो काफ़ी जैम इस जगह पे। यहाँ से निकलने में, ये एक्चुअली 1 मिनट का रास्ता है लेकिन यहाँ से अभी निकलने में लगेंगे 10 मिनट। आप समझ सकते हैं कितना क्राउडेड हो सकता है ये एरिया। तो हम लोग KFC के सामने उतर गए ऑटो से और अब पैदल जा रहे हैं पूर्वासा की तरफ। यहाँ से अभी करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है, सीधा रास्ता एकदम। तो अब जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब बारिश नहीं है, अच्छा हुआ, तो आराम से जा सकेंगे। तो वैसे आपको ये जगह याद होगी, यहीं पे हम लोग पिछली बार आके फंस गए थे बारिश की वजह से। तो आज तो बारिश नहीं है, तो आज जा रहे हैं पूर्वासा फाइनली। तो अभी हमें गणराज चौमनी से आगे बढ़ चुके हैं। तो अब पूर्वासा ज़्यादा दूर नहीं, अब 200 मीटर के करीब है, तो अब लगभग पहुँचने ही वाले। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए पूर्वासा। ये रहा इसका एंट्री गेट बड़ा सा अभी। तो अभी आप देखते हैं अंदर जाएंगे वैसे क्या बंद लग रहा है। तो गाइस हम आ गए अंदर में और ये इस साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी खाली जगह है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े क्या जो भी है। तो ये रहा वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का छोटा सा, मतलब यहीं से, मतलब ये मेन स्टोर है। और बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है और ये जगह देख सकते हैं तो बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ पे, काफ़ी मतलब अच्छा जगह है। लाइट्स यहाँ पे रात को लाइट्स जलती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। और इधर भी बढ़िया सा गार्डन सजाया हुआ है। तो अभी अंदर जाएंगे, इसका टाइम वर्किंग आवर्स है 10:30 AM to 7 PM, 7 बजे तक मतलब खुली है। तो अभी देखते हैं अंदर जाके, अगर हमें वीडियो करने का परमिशन मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर वीडियो नहीं कर पाएंगे।
तो अंदर जाके पूछते हैं क्या ब्लॉक कर पाएंगे कि नहीं अंदर में वीडियोग्राफी। तो गाइस अंदर हम वीडियो नहीं कर सकते, हमने पूछा अभी जाके कि हम वीडियो कर सकते कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको हेड से बात करनी पड़ेगी। तो अब हेड पता नहीं, हेड को अब कहाँ ढूंढे, आप बिना वीडियो के करना पड़ेगा। बाकी आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं जो भी है, तो अंदर नहीं दिखा पाएंगे। तो मतलब अंदर आपको बताए थे क्या है, अंदर है मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब, और वॉल हैंगर जो हैंग करते हैं ना, मतलब पेंटिंग्स वगैरह हो गए, तो वही है। और टेबल लैंप्स हो गए और फूल रखने वाले वास हो गए, तो बस यही है। अब सब अंदर में जितने भी है सब बैम्बू से बने हुए, यही है। तो अब क्या करें, अब देखते हैं, ऐसे घूम लेते हैं अंदर, फिर घूम के आप बाहर आके आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं परमिशन लेने, थर्ड फ्लोर पे शायद उनके हेड हैं, अभी पूछा है मैंने उनसे, उन्होंने कहा आप थर्ड फ्लोर पे जाइए, परमिशन लीजिए। अब देखते हैं, अगर परमिशन मिला तो अच्छी बात है, वरना तो बिना वीडियो के काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस बैड न्यूज़, परमिशन नहीं मिली, उन्होंने कहा नहीं आप वीडियो नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ रीजंस है, पर्सनल रीजंस, आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं दिया। अब ये अगरतला है, देखिए अब यहाँ पे लोग मतलब उतने यूज्ड टू नहीं है, जैसे अब ब्लॉगर्स हर जगह नहीं आते यहाँ पे, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वीडियोस का मिसयूज ना हो जाए, तो इसी वजह से वो लोग परमिशन नहीं देते। तो कोई बात नहीं, हम तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये शायद गवर्नमेंट रूल होगा या फिर कुछ भी, मतलब यहाँ का रूल होगा अंदर का, वीडियो नहीं कर सकते प्राइवेसी के लिए। तो अब क्या करते हैं, बिना वीडियो के ही करना पड़ेगा। तो अब हम अंदर घूम लेते हैं, अब घूम के फिर बाहर निकलेंगे, फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जहाज, ये मतलब जो हमारे पुराने मुगल्स, सॉरी जो हमारे राजा थे त्रिपुरा के, उनका जहाज बिल्कुल ऐसा ही था, तो इसी पे डिज़ाइन किया गया, ये सेम यहाँ पे एक और। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश, ताजमहल, ये माँ दुर्गा, यहाँ पे बाकी सब हैंडीक्राफ्ट्स, ये हो बैठने के लिए, इधर तो कुछ नहीं है। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट इस जगह का, ये देखिए काफी सुंदर डिजाइन है, वाव, और बीच में वो झूमर घूम रहा है। तो गाइस अब निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, तो आपको अंदर वीडियोस दिखाया, हालांकि परमिशन नहीं दिया था हमें, बट फिर भी हमने रिस्क लिया और चुपचाप छुपा छुपा के हमने वीडियोस की एम्प्लॉइज से, अगर वो देखते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, फिर पूछते कि परमिशन लिया है कि नहीं, तो फिर अगर हम झूठ बोलते हैं हाँ लिया है, तो फिर जाके पूछते, फिर और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो रिस्क लेके वीडियो किया है आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। अंदर बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस, बैम्बू से बने हुए जितने भी आइटम्स मैंने देखे अंदर में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी मतलब हैंडीक्राफ्ट्स। प्लस वहाँ पे एक ब्रश भी देखा था, ब्रश आई थिंक 35 रुपीज़ का था, तो मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं है, 50 रुपये है जेब में, तो कुछ पैसे लग जाएंगे घर जाने में, तो इसीलिए मैं ख़रीद नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आता हूँ मैं, तो ज़रूर वो ब्रश खरीद के जाऊँगा। और वाटर बॉटल्स भी थे बैम्बू के, जी हाँ वाटर बॉटल्स भी थे, बहुत ही बढ़िया। वाटर बॉटल्स के दाम थे 710 रुपीज़, तो आई थिंक कॉस्टली, तो अब देखिए यूनिक चीज़ है, अब कॉस्टली हो ही सकता है ना, बट मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि बैम्बू की चीज़ है वो, मतलब उससे तो कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है, प्लस ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अब 5
से थोड़ा ऊपर बच गया टाइम, तो अब ये बंद तो अभी नहीं होगा, 7 बजे बंद होगा। तो अब हम देखते हैं, भूख तो लगी है और यहाँ पे अंदर में जो पीछे आप रेस्टोरेंट देख रहे हो वो भी बंद है, तो बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं कहीं खाने पीने का जगह होगा तो कुछ खा लेंगे, फिर वहाँ से घर चले जाएंगे। तो गाइस पूर्वासा के सामने, वो थोड़े सामने जाके वहाँ पे है अगरतला का जेल, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। हालांकि वहाँ नहीं जाएंगे अभी हम कैदी थोड़ी ना है जो जेल में जाएंगे। तो फाइनली जा रहे हैं यहाँ से, बहुत सुंदर गार्डन मिस करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गौतम बुद्ध की मूर्ति, हालांकि इसको थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, थोड़ा टूट भी गया है पीछे से। तो गाइस ये कुछ एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो बंद हो गया, बहुत दिनों से शायद बंद है। और ये रहा हैंडीक्राफ्ट का शोरूम, बहुत बढ़िया डिज़ाइन। और बाकी का ये अंदर का व्यू, तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये रेस्टोरेंट शायद है, अभी बंद है। तो पूरा बैम्बू का बना हुआ है ये रेस्टोरेंट, बहुत ही बढ़िया, पहले लोग आते थे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग भी किया हुआ है। तो गाइस मेरा जो गणपति विसर्जन वाला वीडियो था उस पर 1K व्यूज़ आ गया है आज, तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। आपने इतना प्यार दिया, तो इसके लिए आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। तो 1K व्यूज़ आया उस पर तो कुछ मिलेगा नहीं, 1K सब्सक्राइबर होने पर मिलेगा। तो आप ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहे और प्यार देते रहिए, और क्या चाहिए। तो गाइस फाइनली ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो ये क्या लिखा है, त्रिपुरा हैंड लूम होगा, यहाँ पे हैंड लून लिख के रखा है, वेरी गुड।